गुड मॉर्निंग गाइस। तो गंगोत्री की सुबह 11 बज चुके हैं और अभी हम मार्केट आए थे थोड़ा घूमने के लिए। तो अभी हम आपको दिखाता हूँ, मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ गंगोत्री का। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ, भीड़ आ गई है कि एक्चुअली यहाँ ऐसा होता है कि दिन में लोग आते हैं और शाम तक चले जाते हैं। यहाँ ठहरते हैं वही लोग हैं जो ट्रैक पर जाते हैं, मतलब बहुत कम लोग ही रुकते हैं यहाँ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ गंगोत्री। ये है गंगोत्री का मार्केट। तो गाइस ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड, सॉरी बस स्टैंड, पीछे है पार्किंग, छोटी मोटी पार्किंग, क्राउड ज़्यादा है ना, दैट्स व्हाई। ये होटल्स दोनों साइड। और ये है यहाँ का एटीएम, किसी को पैसे चाहिए तो यहाँ से एटीएम से निकाल सकते हो, काफ़ी सही है। एवरी टाइम मनी, हर टाइम पैसा रहता है इस एटीएम में। ये है मेन रूम। भाई जी कुछ बोलिए आप। हेलो, हाय भाई लोगों को, सबको नमस्कार। ये डोसा बना रहा है गाइस, अभी देखते हैं दोस्तों, है इसका बस्सा की नहीं है। ये हमारा डोसा उसका आ जाइए, बहुत चूतिया है। ये चूतिया नहीं है, ये अच्छा लड़का है, ये सैलरी कम दे रहे। भाई जी अपने होटल के बारे में कुछ बताइए, भाई जी कुछ बताइए भाई जी, तभी तो लोग आएंगे भाई जी गंगोत्री में। भाई जी ये इसके बारे में बताओ जी। अखिलेश है, हाँ जी, हाँ जी, ये 200 उस्ताद है। हाँ जी, आज अभी कच्चा पक्का दे रहा कस्टमर को। आपका नाम तो बताओ भाई जी। मेरा नाम सोभन सिंह राणा है। होटल का नाम बताओ भाई जी। होटल शिव रेस्टोरेंट गंगोत्री धाम हिमालय। एम्प्लॉय के बारे में बताओ भाई जी। देखो भाई जी से क्या बदतमीजी कर रहे हैं। इसका इंक्रीमेंट हो गया, इसकी शादी होने वाली है। शादी कहाँ से भाई जी? शादी कहाँ से है? बहुत बहुत मजाक हो गया गाइस। चलो अब अखिलेश को परिचय अखिलेश ठीक है। सोन भाई, सोन भाई जी, भाई जी ठीक है, भाई भाई बहुत ही बढ़िया, इनके होटल में जरूर आए। तो हम एक छोटा सा हाइक करने जा रहे हैं गाइस अब, और ये हमारे टूरिस्ट हैं रशियंस, एंड ये लुक। अभी हम शायद किसी बाबा के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनको किसी बाबा के यहाँ जाना है। तो लेट्स सी ये वहाँ जाके क्या करते हैं। ओके, तो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और दिस इज़ द लीडर, ये हैं इनके लीडर, और इन सब के लीडर हैं हम। ओह शिट, कमिंग, हाय बेटा ले। तो अभी हम थोड़ा सा आ गए हैं, और देखिए यहाँ पे लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, ये सारे बेचारे नेपाली हैं जो पत्थर तोड़ रहे हैं रोजगार के लिए। बेचारे कहाँ से कहाँ रखे, बेरोजगारी हर जगह है गाइस। नेपाल जैसे छोटे देश में भी बेरोजगारी है, इंडिया तो फिर भी बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा होगी, बट अब नहीं है। फाइनली हम आ गए गंगा के किनारे, और वी डोंट नो हम यहाँ का, लेकिन हमें नहीं पता ये हमें कहाँ लेके जा रही है। अंग्रेजी आज खुद गाइड बन रखे हैं। ये जो बेचारा है ये यहाँ एक्चुअली हर साल आता है, तो इसे यहाँ कोने कोने पता है हमसे ज़्यादा। तो ये बेचारे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, और चलो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। और हम यहाँ पे देखिए, आप व्यू देखिए, गंगे मैया जय माँ गंगा, पहाड़ देखिए, इससे हम वो क्या ही दिखा सकते हैं ना। बट अभी देखिए बेचारी थक गई है, इससे बात करते हैं, व्हाट हैपेंड नथिंग, ऑल गुड। नीचे चले गए थे गाइस गंगा जी के वहाँ पे, गंगा जी के पास में, पानी के पास में, और वहाँ पे इन्होंने एक फ़ोटो खींची। अभी लोग कहीं आगे जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता गाइस रास्ता। ओह माय गॉड, लेट्स सी, हमें ये लोग आ रहे हैं।
तो गाइस रास्ता वो लोग सही रास्ते जा रहे हैं, मैं यहाँ से शॉर्टकट लेके बहुत पहले ऊपर आ गया, तो जहाँ मेरे को 10 मिनट लगते वहाँ मैं 10 सेकंड में आ गया गाइस। तो अब वो लोग उधर से आएंगे घूम के, तो चलो उनको वेट करते हैं, जब वो आएंगे आपको दिखाते हैं। बट अभी भी पता नहीं चला मुझे कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली, ये मैं इस रास्ते खुद पहली बार आ रहा हूँ आज, तो आते हैं वो तब दिखाते हैं आपको। ओके गाइस, जो लोग तो आ चुके हैं, बाकी लोग आने बाकी हैं, अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और उनका इंतज़ार करने के बाद हम जाएंगे इस रास्ते से जाएंगे हम, और फिर देखते हैं और कितना दूर है। हमें तो खुद ही पता नहीं है बाबा जी का, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ तो मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो सीधा चल रहा हूँ ऐसे अंधेरे में, देखते हैं भी कितना दूर है। होप 5-10 मिनट ही लगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से हम चल ही रहे हैं, अभी तो मिला नहीं, और इतने रास्ता इतना है कि क्या बताएं। अब थोड़ा पिछला तो सीधा जान भी हो सकती है, ओके जान जा सकती है। ओके सो लेट्स सी। और ये देखो, ये तो चलते हैं गाइस स्पीयर गिल्स के साथ। तो गाइस बहुत ही टफ रास्ता है, हम कैसे कैसे चल के आ रहे हैं हमें ही पता है, बहुत टफ रास्ता है गाइस। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ 1 मिनट, हाँ ये देखो, और ये भाई यहाँ पे पानी भर रहा है, या भर भाई भर पानी भर पानी भर। और ये आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, अब मैं चलता हूँ गाइस आगे, आगे देखता हूँ रास्ता कैसा है। मेरे हिसाब से तो रास्ता बहुत ही टफ है, सो लेट्स सी। और माय गॉड फाइनली रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, नैरो रास्ता है, और अगर यहाँ से गिरे तो कुछ भी वैसा हुआ तो सीधा गंगा जी मिलेंगे गाइस। हम गाइस जी बाबा जी के पास से आए थे, वो तो हैनी मार्केट जा रखे हैं, तो हम अभी दूसरे वाले बाबा जी पास आ गए, उनकी कुटिया तो बंद है, तो हम आपको ये वाले बाबा जी की वो दिखाते हैं कैसे यहाँ रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। ओके बाबा जी आपकी चाय पीएंगे तब आपको दिखाएंगे। अब बाबा जी का रहन बसेरा देखिए आप, ये पत्थर के नीचे रहते हैं ये, ये जगह जो है मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है, हम यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, और कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, बस गंगा जी की आवाज़ आएगी, गंगा मैया की वही चीज़ है, गंगा जी की जो आवाज़ है वही चीज़ हमें सुकून देती है, और वही चीज़ मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं बाबा जी आ देते जहाँ अंदर रहते, ये देखिए ये बाबा जी का छोटा सा दरवाज़ा, ये अंदर गुफा है पत्थर के अंदर, कुछ तो है इसके अंदर, जाने का मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, और फिर आपको आगे दिखाते हैं बाबा जी चाय बनाएंगे। ओके गाइस ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत छोटी कुटिया है, और यहाँ से आप देख लो ये इतना इतनी ऊंची है, ये खिड़की के बराबर है, और यहाँ से महाराज जी अंदर जाते हैं। आप देखिए मुझे, और आप दिखाता हूँ मैं आपको महाराज जी की कुटिया अंदर से, ये देखिए ये महाराज जी की कुटिया, और यहाँ पर महाराज जी सोते हैं। कुछ नहीं, बस छोटा सा सिस्टम है महाराज जी का यहाँ पर सोने के लिए, और ये बस ज़्यादा कुछ नहीं, ना बिस्तर ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है बिस्तर। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये महाराज जी की चप्पल। हरिओम हो गई स्टार्ट, तो चलो देखते हैं आरती गंगा मैया की, और बोलो जय माँ गंगे। गाइस आरती हो चुकी है ख़त्म, और अब मैं जा रहा हूँ रूम पे, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 तो हो गए हैं, तो हमें कल ट्रैक भी करना है, तो चलते हैं खाना खा के रेस्ट करेंगे, और लेट्स सी आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग वैसे बन नहीं पा रहा है समय, क्योंकि ट्रैक और ब्लॉग थोड़ा टफ हो जाता है ना, क्योंकि अकेले में वो तो बन भी जाता है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे
60 टूरिस्ट है रशियन, तो उनको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो दैट्स वाई कि नहीं बन पाता है फिर उस हिसाब से ना। फिर भी आई विल ट्राई, देखो आगे से मैं नर्वस भी हूँ थोड़ा, बट चलो ठीक है जैसे बन रहा है। तो गाइस आरती हुए खत्म, चलते हैं घर। ओके टेक केयर, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गाइस कल। कल कल तो पता नहीं, कल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आफ्टर 4 डेज विद 4 डेज का ब्लॉग बनाएंगे फिर। ओके ठीक है, जय माँ गंगे, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। जय माँ गंगे, जय भगवान भगीरथ।